हम काफी बार टर्म सुनते हैं जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, बट इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्यूरिस लीगल चैम्बर्स। आई एम वंश नागपाल एंड आज के इस वीडियो में हम सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। सो इंडिया में सिक्योरिटी देने की जरूरत क्या होती है, सिक्योरिटी कौन देता है, कितने टाइप्स की सिक्योरिटी होती है एंड ये सिक्योरिटी लेने का प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइप की सिक्योरिटी किन लोगों को आज की डेट में इंडिया में मिली हुई है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम अ फर्स्ट पॉइंट, इंडिया में सिक्योरिटी देने की जरूरत क्या होती है? गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना। सो जब भी कभी किसी इंडिविजुअल को कोई खतरा होता है तो गवर्नमेंट उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एंड जैसे ही वो खतरा खत्म हो जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लेती है। जब भी कभी कोई एप्लीकेशन डालता है कि मुझे खतरा है तो इसकी जांच इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करता है एंड इसी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जांच के बेसिस पे, इसकी इंक्वायरी के बेसिस पे आगे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है, हु गिव्स द सिक्योरिटी। वैसे तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। यही रीजन है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिस भी इंसान को सिक्योरिटी मिली होती है अगर वो उस स्टेट के बॉर्डर्स के पार जाता है तो वो सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जिन्हें हम आगे वीडियो के दौरान समझेंगे। टोटल 4 एजेंसीज है इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, सेकेंड इज NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, थर्ड वन इज ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड फोर्थ वन इज CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया। टोटल 5 टाइप की सिक्योरिटीज होती है इंडिया में। फर्स्ट वन इज SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी फैमिली को SPG के कमांडोज प्रोटेक्ट करते हैं। टोटल कितने कमांडोज होते हैं, कितने ऑफिसर्स होते हैं SPG में, ये क्लासिफाइड नंबर है जिसे लीक नहीं किया जाता। ऑल्सो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के सारे कमांडोज जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन मार्शल आर्ट्स एंड इन अनआर्म्ड कॉम्बैट। इनके पास हमेशा MP5 गन्स होती हैं एंड दे आर ड्रेस्ड इन सूट ताकि कभी भी इन्हें अगर नॉर्मल लोगों के बीच में मिक्स होना हो तो ये हो सकते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद 1985 में बीरबल नाथ कमेटी बैठी थी। इस कमेटी में ये डिसाइड हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हमें सिक्योरिटी ज्यादा देने की जरूरत है एंड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को बनाया गया था। 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट बना था जिससे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का एक फॉर्मल एनैक्टमेंट हुआ था। बट 1989 में जब राजीव गांधी जी का टेन्योर खत्म हो चुका था, उसके बाद जब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, 1991 के अंदर उनका भी असैसिनेशन हुआ था। सो अब 1991 में एक नया अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू एक्स प्राइम मिनिस्टर को, जो पिछले 10 साल में कभी भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, उन्हें और उनकी फैमिली को भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की तरफ से सिक्योरिटी मिलेगी। ऑल्सो क्योंकि गांधी परिवार के 2 सदस्यों की उनको असैसिनेट कर दिया गया था, इसमें एक नया प्रोविजन डाला गया था 1991 अमेंडमेंट में जिससे गांधी परिवार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की तरफ से सिक्योरिटी मिलती थी। इसी वजह से आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी को भी सिक्योरिटी मिल रही थी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से। बट 2019 में एक नया अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट से गांधी परिवार से सिक्योरिटी वापस ले ली एंड 10 साल से घटा के एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए 5 साल तक का पीरियड रख लिया। जो पिछले 5 साल में कभी भी प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे सिर्फ उन्हें और उनकी फैमिली को SPG की तरफ से सिक्योरिटी मिलेगी। ऑल्सो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के सारे कमांडोज जो होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं, भले ही प्राइम मिनिस्टर कंट्री के बाहर क्यों ना हो। नेक्स्ट इज Z+ सिक्योरिटी। Z+ सिक्योरिटी इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी जो किसी भी VVIP को मिल सकती है। सो बेसिकली Z+ सिक्योरिटी में 55 पर्सोनल्स होते हैं इंक्लूडिंग 10+ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज। ये कमांडोज जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन मार्शल आर्ट्स एंड इन अनआर्म्ड कॉम्बैट। अदर देन दिस, इन कमांडोज के पास हमेशा MP5 गन्स होती है एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन गैजेट्स होते हैं। जब भी कोई इंसान जिसे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है वो अगर स्टेट से बाहर जाता है तो उनकी सिक्योरिटी भी उनके साथ जाती है।
टोटल आज की डेट में 17 लोगों को इंडिया में जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। नेक्स्ट कैटेगरी इज जेड सिक्योरिटी। सो दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इसमें टोटल 22 पर्सोनल्स होते हैं कवर के अंदर, एंड जिसमें से 4 से 5 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज होते हैं। ये सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, विच इज वाई जब भी कोई ऐसा इंसान जिसे जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, अगर वो स्टेट के बॉर्डर्स के पार जाता है तो ये सिक्योरिटी साथ में नहीं जाती। इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुछ सेलिब्रिटीज जैसे बाबा रामदेव और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। रिसेंटली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबड़े जी ने एक प्रपोजल दिया था जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्पेशल कार्डर होना चाहिए CISF के अंदर। CISF इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अनरूली एलिमेंट्स होते हैं उन्हें संभाले। अदर देन पुलिस, यहाँ पे एक स्पेशल कार्डर होना चाहिए जो CISF के अंदर काम करेगा एंड सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसिस को वो सिक्योर रखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज वाई सिक्योरिटी। वाई सिक्योरिटी इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी इंडिया के अंदर, और इस सिक्योरिटी में टोटल 11 पर्सोनल्स होते हैं इंक्लूडिंग 1 और 2 NSG कमांडोज। सो यहाँ पे 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी अलॉट होते हैं जो हमेशा ऐसे इंसान के साथ रहते हैं, एंड ये सिक्योरिटी कैटेगरी जो है इंडिया में काफी लोगों को मिली हुई है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस जो होते हैं उन्हें सिक्योरिटी मिली होती है, एंड जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें भी वाई सिक्योरिटी मिली होती है। इसका एक एक्सेप्शन होती है, रिसेंटली हमें सुना है कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। तो ये वाई प्लस सिक्योरिटी क्या होता है? वाई प्लस सिक्योरिटी इज एन एक्सेप्शनल कैटेगरी। इसमें जब भी कभी कोई थ्रेट ज्यादा होता है, तो जब जेड सिक्योरिटी नहीं देनी होती और वाई सिक्योरिटी से ज्यादा का थ्रेट होता है, तो ये दोनों के बीच की कैटेगरी है। इस कैटेगरी में टोटल 11 से लेकर 22 पर्सोनल्स तक मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेट। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट कैटेगरी एक्स सिक्योरिटी। एक्स सिक्योरिटी इज द फोर्थ लाइन ऑफ सिक्योरिटी, फोर्थ लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया, एंड इस लेवल के अंदर टोटल 2 पर्सोनल्स होते हैं एंड दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कोई कमांडो नहीं होता इनमें से। सो यहाँ पे एट अ टाइम एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिलता है। इंडिया में काफी लोगों को एक्स सिक्योरिटी मिली हुई है। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी। क्या प्रोसीजर होता है जिससे ये सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया जा सकता है? जब भी किसी इंसान को कोई थ्रेट होता है, कोई खतरा होता है, तो वो इंसान उस थ्रेट के बारे में अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन के द्वारा बताता है। इस एप्लीकेशन को पुलिस स्टेशन से आगे इंटेलिजेंस एजेंसीज में फॉरवर्ड किया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है ये पता करना कि सच में कोई थ्रेट है भी या नहीं है। जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट को कन्फर्म कर लेती है, तो आगे इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी रिपोर्ट स्टेट में देती है। स्टेट में होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल एंड चीफ सेक्रेटरी, ये तीनों बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि कौन से लेवल की सिक्योरिटी आगे हमने ऐसे इंसान को देनी है जिसे खतरा है। जो भी इनका डिसीजन होता है, इस डिसीजन को फॉर्मल अप्रूवल के लिए इसे यूनियन होम मिनिस्ट्री में भेजा जाता है, एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री से इस डिसीजन का फॉर्मल अप्रूवल मिलता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री से आगे नोटिफाई किया जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज में कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी एजेंसीज में जैसे हमने डिस्कस किया था, SPG, NSG, ITBP एंड CRPF, ये चारों एजेंसीज होती है। सो वी होप आपको आज की वीडियो का सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आपके, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।